वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रेवलर पे। हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं हम देखो, तैयार त्यूर होके पैकिंग बुकिंग करके हम लोग निकल चुके हैं ऑकलैंड की तरफ। दिवाली मनाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें छोटी मोटी जगह हम देखो दिवाली नहीं मनाते। दिवाली मनाने भी हम लोग ऑकलैंड जाएंगे। चलो इसी बहाने सबका गेट टुगेदर हो जाएगा फैमिली का। मौसम आज धूप नहीं निकली, थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा है, हवा चल रही है एज यूजुअल, बट ठीक है। अरे हल्का तो है, उठा ले। अभी हम लोग जा रहे हैं बस से, हमें गाड़ी बोल रहे ओला महंगा है। ओला महंगा है, सही में महंगा है। बस में हमारे दोनों के मिला के लगने $12 लगेंगे। हाँ। वैसे $22 लगेंगे। 22 वाला हेलो 20 से 25 अभी ढूंढो ना, अभी ढूंढो के पता लगेगा आपको। जब हमें इतनी सुविधाएं दी हैं न्यूजीलैंड वालों ने तो हम क्यों ना फॉलो करें। जितनी नजदीक से ओला या उबर करोगे हाँ उतनी महंगी पड़ेगी। ठीक, किसने कहा? मैंने। वाह पूनम वाह, ज्ञान ऑफ द डे, ज्ञान ऑफ द डे। हम लोग निकल चुके बस, और हमारी फ्लाइट है अभी 12:30 की, 12:40 की है। 12 बजे लिखा है बोर्डिंग, 12 बजे बोर्डिंग, 12 बजे स्टार्ट होगी। बस स्टैंड कौन सा, वो सामने वाला? मुझे क्या पता, आपने एक नंबर कहाँ से है? बस से देखा, बस भी आ गई, वो हमारी बस है और हम लोग यहाँ खड़े हैं बस स्टैंड पे। चलो बस आ गई, आ गई, आ गई। ये चैटन पार्क, चल हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। ऐश क्या करोगे, यहाँ से वहाँ घुमा रहे हो मुझे। सब पहले उतार दिया जिंदगी के सारे मजे, मैप भी नहीं लगाया। जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे, पूरी बात सुनो, नहीं हमने ऐश करोगे कैश करोगे मेरे साथ रहोगे तो। आपके चक्कर में लेट ना हो जाए, $20 के चक्कर में पता चला $500 का। अरे देवी आप हमारे साथ रह रहे हो, उसी बात का डर है मुझे, लेट होने का कोई चांस ही नहीं है। चलो अब हम बस पकड़ के सीधा जाएंगे किलहर्नी, बस एयरपोर्ट। फ्लाइट कैसे मिस हो जाएगी ना, फ्लाइट कैसे मिस हो जाएगी। बस आगे बस स्टैंड, वहीं से बस लेके सीधा जाने जाना है किलहर्नी में। अच्छा मैं हाँ, पर बस मिल गई ना, निकल रही बस मिल गई। अच्छा एक और क्या मैं बता रहा था, उस टाइम भूल गया, कुछ बता रहा था यार मैं भूल गया। चलो पता नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एनीवे हम लोग बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बस लेके दूसरे स्टॉप पे जाएंगे, वहाँ से एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए स्पेशल बसें चलती हैं, पर जहाँ से हम रहते हैं वहाँ से नहीं चलती, उसके लिए वो एक मेन रूट पे चलती है, तो हम उस मेन रूट पे आने के लिए हमें दूसरा स्टॉप चेंज करना पड़ रहा है। हाँ ये जो हमारे मुँह चल रहे हैं ये च्युइंगम है, हमने कहा कितना उसका ध्यान रखना पड़ता है सेंटों का भी, अगर एक वहाँ पे कहीं पे 1.40 सेंट का। चलो आगे बस स्टैंड, बस कहाँ जाना है, बस निकलेगी क्या आगे वाली? नहीं बस नहीं है, आने वाली है। कौन सी है, 3 नंबर है ना ये, दूसरी बस से भी उतर गए हम लोग। अब वेट कर रहे हैं हम लोग हमारी लास्ट बस का, एयरपोर्ट वाली का। यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम होता क्या है बसों का, आपको हर जगह का डिजिटली चल रहा है काम, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो यहाँ पे ये सारा आता रहता है, इसमें फ़ोन में सही से नहीं आ रहा, अलग अलग से दिखा रहा है, पर ये जिसमें शायद पास होंगे शायद दिखाए, नहीं ये फ़ोन की वजह से ऐसे आ रहा है, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा।
पर यहाँ पे टाइम दिखाता रहता है अभी कौन से नंबर वाली बस कितना देरी से है या कितने टाइम पे है, ड्यू है, लेट होगी, कैंसिल होगी, सारा दिखाता है। और ये इनकी बस स्टैंड है, इनका बस वाला ऐप है मेटलिंक, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, अपडेट रहते हो ये सारी बसें हैं कौन से नंबर वाली, क्या हिसाब किताब है, अंदर डिटेल है पूरी। ये देखो सब रनिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, 11:30 का टाइम हो गया फिर भी सब लोग रनिंग कर रहे हैं, सब लोग नहीं मतलब जिनको शो है, कुत्ता लेके भी दौड़ रहे हैं बताओ। फिटनेस का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, वो किसी टाइम भी दौड़ता है जब भी उनको सही लगता है उस टाइम दौड़ते हैं वो, और क्योंकि मौसम अच्छा है कोई टेंशन नहीं रहती इस चीज़ की, फिटनेस वाले हैं यहाँ पे। जिम भी जाते हैं लोग, पर जिम से ज़्यादा लोग काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं रनिंग करें, जॉगिंग करें, वो लोग ज़्यादा वो करते हैं, बुढ़े लोग भी मतलब जो एज्ड पर्सन है वो भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते। हमारी बस भी आने वाली है, बस ड्यू है वो, देखो वो जी आ गई, वो हमारी स्पेशल बस है उस पर लिखा हुआ है ना, ये आ गई स्पेशल फेयर्स अप्लाई एयरपोर्ट एक्सप्रेस, ये हमारी बस है इसमें जा रहे हैं हम लोग। एयरपोर्ट वाली बस दो का भी टाइम हो सकता है। Just a minute. I'll give you 50 cents. Good night. Thank you. शानदार है यार, ये दो सामान सामून रखने के लिए भी सारी बसें हैं, जगह है प्रॉपर लगेज वगैरह के लिए, और ये देखो प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट भी है, ये यूएसबी पोर्ट चार्जिंग चूर्जिंग अगर कोई मतलब एमरजेंसी वाला हिसाब था, व्यू बड़ा सही है, शानदार बस है ये, सारा कुछ इंडिया वाली बसों में भी है जो एयरपोर्ट के साइड जाती हैं उसमें भी स्पेशल सर्विस मेट्रो वाला में ये सारी वैसी फैसिलिटी बनाई रखी है इसमें भी। लो जी ये है एयरपोर्ट वाला हिसाब था, हम लोग यहाँ पर पहुँच गए एयरपोर्ट पर, ये पार्किंग है एयरपोर्ट की, और यहाँ पे हम लोग बस में आए तो हमारी कोई पार्किंग वाला हिसाब किताब नहीं है हमारा। पार्किंग का यहाँ पे एक्चुअली क्या है, अगर आप गाड़ी में आते हो मतलब किसी को छोड़ने आ रहे हो या किसी को लेने आ रहे हो तो पहले 10 मिनट आपकी पार्किंग फ्री है, उसके बाद आप ये पार्किंग के चार्जेस हैं। वो क्या है, पहली बार जाते टाइम जब आप एंटर करोगे पर्ची कटवा लोगे और उस पर्ची पे आपका टाइमिंग लिखा होगा, तो उस टाइमिंग के हिसाब से जब आप रिटर्न करोगे तो जितना भी टाइम होगा 15 मिनट 20 एक घंटा आधा घंटा उसके हिसाब से आपको चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है जी, ये यह यहाँ का पार्किंग का सिस्टम है, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, इंडिया में तो सारी चीज़ें हैं, बात तो फॉलो करने की है ना। हम लोग 40 मिनट में पहुँच गए बिल्कुल, उसमें चलने के वाला भी डिस्टेंस लगा के सारे डिस्टेंस लगा के, ये यह यहाँ की सुपर पावर हम लोग यूज़ करते हैं अपनी सुपर पावर का, और वो आगे सामने डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टर्मिनल दोनों हैं, ये रहा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टर्मिनल जाते हुए हमारा जेट स्टार है। हाँ इंटरनेशनल अराइवल, ये यहाँ का एयरपोर्ट है सारा, अभी हमें देखना जेट स्टार कहाँ पे है, ये सारा इंटरनेशनल अराइवल लग रहा है मुझे, डोमेस्टिक कहाँ है। चलो हम लोग ऊपर जा रहे हैं डिपार्चर, चल चल चल। यस तुझे पासपोर्ट, एनीवन वुड डू, जस्ट वन।
वरिंदर सिंह पूनम प्रदेशी। देखा लाइन, देखा कितनी लंबी थी। पता नहीं वो कौन से वाले थे। गोल्ड कोस्ट। अच्छा वो कोई जगह है क्या गोल्ड कोस्ट? अच्छा मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया में वो जो गोल्ड कोस्ट, तो मैंने सुना है गोल्ड कोस्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ उसके लिए इतनी लंबी लाइन, हमको देख के डर के साला जेट स्टार वालों की इतनी लंबी लाइन कि हमारा नंबर आएगा भी। फिर वो साइड से उसने आवाज दी, वो पर्सनैलिटी देख के उसने मुझे अलग से आवाज दी, ये साथ ही आ गई। मुझे शक्ल नहीं, उसने मुझे बोला हे हैंडसम। उसको पता नहीं कैसे पता चला वो गॉड है। तो मुझे साला यहाँ पे मुझे बुर्का डाल के रखना चाहिए, नहीं तो हरेगी मुझे हैंडसम कह के बुलाता है। तो अपना अपना गेट नंबर क्या है? गेट नंबर क्या है अपना? सोफी हवा। हाँ डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारा इकट्ठा ही है इनका। ये अलग अलग है, मतलब अलग अलग मतलब सारे अलग अलग शॉप्स हैं। ये खाने पीने का है एयरपोर्ट पे, तो चाहे इंडिया हो चाहे कोई और हो, एयरपोर्ट पे खाना तो ये सारे हुए हैं। तो एयरपोर्ट पे खाने को आप अवॉइड करें। डिपार्चर डोमेस्टिक गेट 2129। देख लो ये इस वाले प्लेन में हमें चढ़ जाना है, केरा जेट स्टार का प्लेन। डिपार्चर लॉन्च क्लोज्ड, अभी अभी होगी नहीं क्या? इधर है ना शायद जेट स्टार तो अपना गेट 21-29। सिक्योरिटी चेकिंग होगा अपना, पता नहीं क्या है। लो जी हमारा गेट खुल गया फाइनली इतने टाइम बाद। नो एंट्री, इधर हमारा एंट्री हो रही है। यहाँ पे बैग चेक होगी, सारा कुछ होगा, अभी देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू। लो जी हमारा हो गया चेक इन, हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये हमारा ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं जेट स्टार में। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर बहुत दूर चले गए हम लोग, पता नहीं कौन सी सुरंग में लेके जा रहे हैं। फाइन फाइन फाइन। ये व्हील चेयर पूनम तेरे लिए। ये बुरा है इसका हिसाब था 31 लास्ट। ये फ्लाइट में बैठे हैं सारे। लो जी ये हमारा नंबर है 31 ENF। As you settle in, we ask that you move into your seat as quickly as possible. Once the last cabin door is closed, you will be required to place your personal electronic devices into flight mode. आजा, मैं इधर आजा। मेरी सीट पे बैठ गया। ये प्लेन इतना बड़ा ही है क्या? सारा खत्म हो गया ये 31 वाले हम लोग। है आगे पीछे भी है क्या? है इसके पीछे है? नहीं बस इधर ही है। बैठ गए प्लेन में और हमारा नंबर है 31। वो आ रहे हैं सारे लोग और हम लोग बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। मैं सबसे लास्ट में बन रहा हूँ। अभी फ्लाइट चलने वाली है और हम लोग आपको सीधा मिलेंगे अब ऑकलैंड पहुँच के, और फिर उसके बाद वहाँ पे लवली लेने आई है मैं। और बाकी ठीक है, मैंने तो अपनी मैचिंग हो गई मेरी। कितने डॉलर का दिए? और महंगा लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा, पूरे $4 का भी नहीं। मैंने इसकी किस्तें करवा ली, हर हफ्ते 50 सेंट दिया करो। नहीं नहीं क्लियरेंस सेल चल रही थी, मैं कहा चल ले लेते हैं। हेडफोन तो थे मेरे पास पर अच्छे हैं। ठीक है आते ही क्या $4। मैं बार बार ऐसी कर रहा हूँ, मैं कभी चलूँ अंगूठी दिख जाएगी मेरी, इसलिए मैं वीडियो हम थोड़ा लेट डालते हैं। पता चल गया कोई मेरी उंगली काट के ना ले जाए अगर मैं जल्दी वीडियो डालेगा। चले नहीं गए हम लोग ऑकलैंड पहुँच के, आपको बताते हैं कि लवली लेने आएगी तो, और वहाँ पे लवली के वहाँ इनायत आती है साथ में, नहीं तब क्या सीन रहता, सारा हिसाब किताब वो आपको मिलेगा अगले ब्लॉग में। तो ठीक है जी, आज के आप
वीडियो इतना ही है बस। अभी हम पहुंच जाएंगे सीधा फ्लाइट में, तो वीडियो क्या शूट करनी है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में सीधा दिखाएंगे आपको ऑकलैंड। जब हम समुंदर के ऊपर से जाते हैं वो व्यू बड़ा प्यारा आता है। हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से ऑकलैंड से, सॉरी वेलिंगटन से निकल रहे हैं। ऑकलैंड पहुँच के आपसे बात करेंगे, तो वो सारा कुछ आएगा हमारा नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस उसके साथ आपको सारा कुछ दिखाएंगे हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, कैसे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, इनायत कैदिया और वो हमारे मामा मामी आ रहे हैं उनके साथ, सबको कवर करेंगे। तो बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इसके आगे वाले ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार बनाए रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए रब रख। तब तक के लिए रब रख।